क्या भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, क्या भारत में कानून का राज है, क्या भारत में संविधान है, क्या भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और क्या कानून सबके लिए एक समान है। अगर इसको समझना है तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखिए और कुछ देर के लिए पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए, नेताओं की गुलामी छोड़ दीजिए। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान यानी सबके लिए एक समान विधान होना चाहिए, संप्रभु का मतलब गुलामी का कोई निशान नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वतंत्र यानी अपना तंत्र, यानी जितना सिस्टम हो सब कुछ अपना होना चाहिए। कानून का राज तो होना चाहिए भारत में, और क्या कानून सबके लिए एक समान है यह मैं अगले 10 मिनट तक आपसे चर्चा करूंगा। भारत में आज भी वैसी दरिंदे बलात्कारियों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही है, जिन वैसी दरिंदों ने 5,000 बहन बेटियों को अपनी रखेल बना रखा था, अपने हरम में रखा हुआ था, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां देश की राजधानी में चल रही, तो फिर काहे का स्वतंत्रता, काहे की संप्रभुता। और पूरे देश में तो छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली में अकबर रोड है, बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, तुगलक रोड है, और इस बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, अकबर रोड पे गजनी और ये जो और लोधी रोड पे सांसद विधायक मंत्री रहते हैं वो आराम से रह रहे हैं। कभी उनको ये समझ में नहीं आता हम जिस सड़क पे नाम जिस सड़क पे रह रहे हैं ये सड़क है कौन, ये बंदर था कौन, ये दुर्भाग्यवश उनको अपना पता बताने में शर्म नहीं आती। गुलामी के निशान चल रहे, वैसी दरिंदों ने जो हमारे मठ मंदिर तोड़े थे आज तक उनको रिस्टोर करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया, ऊपर से उल्टा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और बना दिया गया कि जो वैसी दरिंदों ने मठ मंदिर तोड़े थे उनको रिस्टोर भी नहीं किया जा सकता। और इस पर गंभीरता के साथ न लोकसभा में चर्चा हुई, न राज्यसभा में चर्चा हुई, न देश के किसी विधानसभा में चर्चा हुई। हवाई जहाज के ऊपर आज भी वीटी लिखा हुआ है, वीटी विक्टोरिया टेरिटरी, आज तक हटा ही नहीं। जब हम गुलामी के निशान तक नहीं हटा पा रहे, गुलामी के नाम नहीं हटा पा रहे, गुलामी की कुरीतियां नहीं खत्म कर पा रहे, तो काहे के हम स्वतंत्र भारत, काहे के लिए संप्रभु भारत। सारे गुलामी के संस्कार आज भी चल रहे, जो मुगलों के समय गुलामी के संस्कार शुरू हुए वो भी जारी है, और जो अंग्रेजों के समय गुलामी के संस्कार शुरू हुए वो आज भी चल रहे, अभी उनको बदला ही नहीं। गुलामी की कुरीतियां चल रही है, जो मुगलों के समय यहां कुरीतियां आई, चार शादी शुरू हुई, हलाला शुरू हुआ, मुता शुरू हुआ, मिसयार शुरू हुआ, तहरुफ शुरू हुआ, तीन तलाक शुरू हुआ, तलाके हसन शुरू हुआ, तलाके हसन शुरू हुआ, तलाके बाई शुरू हुआ, तलाके किराया शुरू हुआ, बुरका प्रथा शुरू हुई, बाल विवाह शुरू हुआ, रात्रि विवाह शुरू हुआ, घूंघट प्रथा शुरू हुई। उन कुरीतियों को खत्म करने पर न लोकसभा में चर्चा हुई, न राज्यसभा में चर्चा हुई, न किसी विधानसभा में चर्चा हुई। चिकित्सा व्यवस्था गुलामी वाली, आज भी जो 200 साल पहले विदेशी चिकित्सा व्यवस्था आई अंग्रेजों ने जो प्रमोट किया है एलोपैथी, आज वही चल रहा है। डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस डॉक्टर, दवाई का मतलब सिंथेटिक ड्रग, दवाई का मतलब एलोपैथिक दवाइयां। स्वास्थ्य मंत्रालय में अगर 1,00,000 करोड़ का बजट होता है तो 95% बजट विदेशी चिकित्सा के ऊपर खर्च होता है, मुश्किल से 5% बजट भारत की चिकित्सा के ऊपर खर्च होता है। हमारी जो अपनी वैद्य की व्यवस्था थी, हमारी आयुर्वेद की व्यवस्था थी, हमारी नेचुरोपैथी की व्यवस्था थी, आहार चिकित्सा थी, नारी चिकित्सा थी, वो सेकेंडरी है। नाम है आयुष्मान कार्ड, और आयुष्मान कार्ड केवल एलोपैथिक इलाज पर लागू होता है। आयुष्मान कार्ड से आप आयुर्वेद इलाज नहीं करा सकते, नेचुरोपैथी इलाज नहीं करा सकते, योग चिकित्सा इलाज नहीं करा सकते, आहार चिकित्सा इलाज नहीं करा सकते, नाम है आयुष्मान कार्ड। तो काय के लिए आज भी भारत में न महर्षि धन्वंतरी को पढ़ाते हैं जिन्होंने आयुर्वेद, जो आयुर्वेद के जनक है, हम न महर्षि चरक को पढ़ा रहे हैं, न महर्षि सुश्रुत को पढ़ा रहे हैं, न महर्षि सारंगधर को पढ़ाते हैं, न महर्षि माधवकर को पढ़ाते हैं, न महर्षि वाग्भट को पढ़ाते हैं, न आचार्य भाव प्रकाश को पढ़ाते हैं। तो हमारी चिकित्सा व्यवस्था भी गुलामी वाली, शिक्षा व्यवस्था भी गुलामी वाली, मेडिकल के कोर्स में कहीं हमारी चरक संहिता पढ़ाई नहीं जाती। सुश्रुत ने जो हमें इतनी बढ़िया किताबें दिया है, कितना बड़ा ज्ञान दिया, उसको हम पढ़ाते ही नहीं। इतिहास गुलामी वाला, विज्ञान भी गुलामी वाला, हमारे एक से बढ़कर एक इतने बड़े बड़े महर्षि हुए। महर्षि कड़ाद को हम नहीं पढ़ाते, महर्षि भारद्वाज को नहीं पढ़ाते, और हम कहते हैं हम तो स्वतंत्र भारत है और हम संप्रभु भारत है। महर्षि अंगिरा को नहीं पढ़ाते, महर्षि अक्षपाद को नहीं पढ़ाते, महर्षि अगस्त, महर्षि लोमस, महर्षि अग्निवेश, ऐसे हजारों हमारे फिजिशियन है, सर्जन है, मेडिकल के डॉक्टर है, सब कुछ तो है हमारे, उनको नहीं पढ़ाते। हाँ, विदेशी विज्ञान पढ़ा रहे, विदेशी चिकित्सा पढ़ा रहे, विदेशी जो है इतिहास पढ़ा रहे, सब कुछ वही गुलामी वाला चल रहा है। पुलिस व्यवस्था गुलामी वाली, 1861 वाला पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, और चूंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है तो जो पुलिस पहले अंग्रेजों के गुलाम थी अब सत्ता के गुलाम हो गए। वही हवलदार की व्यवस्था, वही थानेदार की व्यवस्था, वही कप्तान वाली व्यवस्था। हमने पुलिस व्यवस्था का भारतीयकरण करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया, पुलिस चार्टर लागू करने पर हमने चर्चा नहीं किया,
पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने पर चर्चा ही नहीं की। नतीजा यह है, यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, केरल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। हमने वन नेशन वन पुलिस कोड पे कभी गंभीरता के साथ लोकसभा राज्यसभा में चर्चा ही नहीं की, ना विधानसभा में चर्चा किया ना लोकसभा में चर्चा किया। तो पुलिस भी गुलामी वाली चल रही, शिक्षा व्यवस्था गुलामी वाली चल रही, स्कूलों में भगवत गीता अनिवार्य नहीं है, वेद अनिवार्य नहीं है, रामचरित मानस अनिवार्य नहीं है, वाल्मीकि रामायण अनिवार्य नहीं है। अंग्रेजों ने यहां के मिशनरी स्कूल खोले, बाइबल पढ़ाना शुरू किया, वो स्कूल आज भी चल रहे। जो मुगलों ने यहां पे स्कूल खोले मदरसे और कुरान पढ़ाना अनिवार्य किया, हदीस अनिवार्य किया, वो स्कूल आज भी चल रहे। आज भी हम जो भारत की चिकित्सा भारत की शिक्षा थी उसको पढ़ाई नहीं रहे, सर्व मंगल मांगल्य कहीं पढ़ाया नहीं जाता, ये तर नारस्ती पूज्यते रमन्ते तर देवता के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, अष्टांग योग पढ़ाते नहीं है, वसुदेव कुटुंबकम के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, नारी तू नारायणी के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है। तीन भाषा पढ़ा रहे हैं, उस भाषा में भी एक गुलामी वाली भाषा तो हर स्कूल में पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी हमारी अपनी अपनी जो भारत की भाषा है वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन गुलामी की भाषा अंग्रेजी वो पूरे देश में अनिवार्य हो चुकी है। संस्कृत अनिवार्य नहीं है पूरे देश में, हिंदी पूरे देश में अनिवार्य नहीं है, भारत की भाषाएं पूरे देश में अनिवार्य नहीं है। आज भी हमने शिक्षा व्यवस्था का भारतीकरण नहीं किया तो काहे के लिए स्वतंत्र भारत, काहे के लिए संप्रभु भारत, सब कुछ गुलामी का चल रहा। प्रशासनिक व्यवस्था वही गुलामी वाली, पुलिस स्टेशन को प्राथमिक सुरक्षा केंद्र भी हमने आज तक नहीं कहा, कायदे से पुलिस स्टेशन हमारा प्राइमरी प्राथमिक सुरक्षा केंद्र है, प्राइमरी सिक्योरिटी सेंटर है, वही कलेक्टर सिस्टम, वही तहसीलदार सिस्टम, वही एसडीएम, वही एडीएम, वही डीएम जो अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ। हमने उसका भारतीयकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया, हम तो शब्द भी नहीं बदल पाए। जो शब्द शुरू हुए थे ना, हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, मतलब उन शब्दों को भी नहीं बदल पाए, लेकिन हमने उस पर आज तक कभी नाम भी नहीं बदला। थाना थाना ही चल रहा है, तहसील तहसील ही चल रही है, आपकी दंड व्यवस्था वही गुलामी वाला। आज तक हम एक वन नेशन वन पिनल कोड नहीं बनाया गया कि कंप्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड वन नेशन वन पिनल कोड बना लिया जाए, कंप्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड वन नेशन वन एजुकेशन कोड बना लिया जाए, कंप्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड वन नेशन वन हेल्थ केयर कोड बना लिया जाए। अंग्रेज जब देखते थे, जब जब उनको कुछ किसी चीज से खतरा लगता था, कानून बनाते चले जाते थे, पूरा उन्होंने कानूनों का मकरजाल बना दिया था, और कानून के मकरजाल आज भी चल रहे। घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, घुसपैठ का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, जितने अपराध उतने कानून बना दिए। इस पर कभी चर्चा नहीं हुई, बनना तो बहुत बाद की बात है, पहले इस पर कम से कम लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में चर्चा तो चर्चा ही नहीं हुई। टैक्स व्यवस्था वही गुलामी वाली, मिडिल क्लास भी टैक्स से परेशान, अपर क्लास भी टैक्स से परेशान, व्यापारी भी टैक्स से परेशान, टैक्स पूरा टैक्स का मकरजाल। व्यापारी का जितना ध्यान अपने व्यापार पे लगता है, उससे ज्यादा ध्यान तो उसको टैक्स के कंप्लायंस पे लगता है। वन नेशन वन टैक्स लागू हो, इनकम पे कोई टैक्स ना हो, केवल खर्च करने पे टैक्स लागू हो, ये वन नेशन वन टैक्स भी कभी चर्चा ही नहीं हुई। इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, टीडीएस, फलाने ढकाने, दुनिया भर का टैक्स, आखिर भारत पहले भी चल रहा था ना, जब ये दुनिया भर का जब टीडीएस, इनकम टैक्स, वैट ये सब नहीं था, तभी तो भारत था ना, तो कैसे भारत चलता था, उस पर कभी चर्चा नहीं हो रही। न लोकसभा में चर्चा हुई गंभीर तक, न राज्यसभा में चर्चा हुई, न किसी विधानसभा में चर्चा हुई। हाँ, बस तो तू मैंने करा लो, आरोप प्रत्यारोप करा लो, बकर मुरा कुश्ती करा लो, तू चोर मैं सिपाही वाला खूब बटोलेबाजी करा लो, ये खूब होता रहेगा, लेकिन वन नेशन वन टैक्स पर कभी चर्चा नहीं होती। व्यापारी परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है, सब परेशान है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। व्यापार व्यवस्था वही गुलामी वाली, व्यापार में व्यापार के नाम पर व्याभिचार के अड्डे खुल रहे हैं, कैसीनो भी व्यापार बना हुआ है, सट्टा बार भी व्यापार बना हुआ है, बियर बार भी व्यापार बना हुआ है, हुक्का बार खुल रहा है व्यापार के नाम पे, डांस बार भी व्यापार बना हुआ है। सरकार बकायदा उनको लाइसेंस दे रही है, टैक्स वसूल नहीं, मतलब टैक्स वसूलने के नाम पे कुछ भी करेंगे। अरे कम से कम इतना तो सोचिए कि जिस व्यापार से भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही है, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हमारी पूरी नस्लें बर्बाद हो रही है, उसका लाइसेंस क्यों देना, पैसे के खातिर, केवल टैक्स लेने के लिए। न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से गुलामी वाली, जो मुकदमे पहले हमारे यहां एक दिन में डिसाइड हो जाते थे, ऐसे मुकदमे 50-50 साल चल रहे हैं, लेकिन कभी गंभीरता के साथ चर्चा ही नहीं होती। भैया इस न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण किया जाए, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। अरे पहले तो जस्टिस विद इन आवर होता था, एक एक घंटे के अंदर फैसला होता था, जो मुकदमा जो केस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था जस्टिस विद इन डे हो जाता था, एक दिन हो जाता था, जस्टिस विद इन वीक हो जाता था, एक सप्ताह में हो जाता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है तो जस्टिस विद इन मंथ हो जाता था, जस्टिस विद इन ईयर तो होता ही नहीं था, जस्टिस विद इन मंथ सारे केस डिसाइड हो, एक महीने सब केस डिसाइड हो जाते थे। और आज हम कह रहे हैं जस्टिस विद इन
जस्टिस विन ईयर हो जाए, कम से कम एक साल के अंदर फैसला हो जाए, उस पर भी चर्चा नहीं हो रही, न थाना में, न तो लोकसभा में चर्चा होती, न राज्यसभा में, न विधानसभा में चर्चा भी होती। छुट्टियां तक जो गुलामों के समय, अंग्रेजों के समय शुरू हुई थी, वही छुट्टी का शेड्यूल चल रहा है। वकील का एड्रेस, जज का एड्रेस वही गुलामी वाला, दरबान वही गुलामी वाला, कानून वही गुलामी वाला, कुर्सी वही गुलामी वाली। जब सब कुछ गुलामी वाला है तो सोच कहां से भारत की हो जाएगी। सब कुछ तो गुलामी का चल रहा है। जब गुलामी का चल रहा है तो हम कैसे मान लें कि भारत स्वतंत्र, यानी सब कुछ अपना तंत्र विकसित हो गया, कैसे मान लें भारत संप्रभु हो गया। चुनाव व्यवस्था वही 1951 का, 1951 वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो नेहरू जी ने बनाया था, आज तक बदला ही नहीं। नतीजा क्या है? सही लोग, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, राष्ट्रभक्त लोग पहुंच नहीं पा रहे संसद विधानसभा में, और माओवादी, नक्सली, अलगाववादी, कट्टरपंथी, जिहादी, मजहबी उन्माद फैलाने वाले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में पहुंच रहे। एक जेल में बैठा खालिस्तानी सांसद बन गया, एक कश्मीर का अलगाववादी जेल में बैठे बैठे वो भी सांसद बन गया। जाति का जहर घोलने वाले, भाषा का जहर घोलने वाले, क्षेत्र का जहर घोलने वाले सब लोग सांसद विधायक बन गए। जो कह रहा था हिंदुओं 10 मिनट के अंदर हिंदुस्तान से हिंदुओं खत्म कर देगा 15 मिनट के अंदर, वो भी विधानसभा में पहुंच गया। तो हमने कभी वन नेशन वन इलेक्शन कोड के ऊपर चर्चा नहीं किया। हमारा लेबर सिस्टम वही गुलामी वाला, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम गुलामी वाला। हम कहते हैं कानून सबके लिए समान है, कहां से समान है? कितने ऐसे लोग हैं जो 10 साल 20 साल सड़ते रहते। केजरीवाल के लिए तो कोर्ट डे टू डे सुनवाई करती है, और वही विष्णु तिवारी 20 साल तक निर्दोष होकर जेल में सड़ता रहता है। कहते हैं संविधान, संविधान, अरे हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान चल रहा है, और हम कह रहे भारत में संविधान है, सबके अलग अलग अपने कानून चल रहे। झूठे वादे कर करके पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आ जा रही है, कुछ भी गंभीर अपराध नहीं है। तो जो जहां जिसको मौका मिल रहा है झूठ परोस रहा है। कोई कह रहा हम 1 लाख रुपए देंगे, कभी 2 लाख रुपए देंगे, देश के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी झूठे वादे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। झूठा वादा करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा भाषण देना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी जांच करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा हलफनामा देना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है। हमने आज तक झूठी शिकायत पे, झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, झूठ बोलने को हमने गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। मैं इसलिए कहता हूं अगर भारत को वास्तव में स्वतंत्र करना है, भारत को वास्तव में संप्रभु बनाना है, तो सबसे पहले गुलामी की सारी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, अंग्रेजों के सारे कानून खत्म करने पड़ेंगे, और बाद वाले जो अंग्रेज यहां आए सत्ता में, जो गोरे अंग्रेजों ने राज किया, बाद में काले अंग्रेजों ने भी राज किया यहां पे 55 साल, तो जो 55 साल काले अंग्रेजों ने जो कानून बनाया उनको भी बदलना पड़ेगा, और उसके पहले 200 साल जो गोरे अंग्रेजों ने कानून बनाया उनको भी बदलना पड़ेगा। तब स्वतंत्र भारत बनेगा, तब संप्रभु भारत बनेगा, तब भारत में राम राज्य आएगा, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। नहीं तो कहने को स्वतंत्र भारत होगा, संप्रभु भारत होगा, लेकिन वास्तव में सब कुछ गुलामी का ही चलता रहेगा।